So dear viewers and my students, I am here in Peepas Nursing School Lumps, Jamshoro. Today I am going to meet with you a personality, the great personality of Peepas Nursing School Lumps, Jamshoro from 6th semester, Mr. Izhar Baloch from Balochistan especially. Today we are going to ask from him that why he joined nursing and what is the scope of nursing nowadays in Pakistan. Mr. Izhar, yes. You jo hai 6th semester mein hai? Yes, aap peanuts mein hai, main 6th semester mein. Mashallah. Acha, aapne nursing kyun join ki aur nursing ka scope kya hai Pakistan mein? जैसे कि नर्सिंग के इसे मैंने क्यों ज्वाइन की, मैं नर्सिंग इसलिए ज्वाइन की क्योंकि हमारे आप जानते हैं कि रूरल एरियाज़ में बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसकी जो जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते, जैसे जहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुँच सकते, जैसे कि हमारे अपने फैमिली ऐसे देखती हैं जहाँ पे हम देख के भी कुछ नहीं कर सकते, जैसे हम फर्स्ट एड वहाँ पर दे सकते हैं, वहाँ पर हमको रिकवरी दे सकते हैं जब तक वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। हमारे आपको सनाला भाई, आप जानते हैं कि हमारे पास ऐसे भी एरियाज़ हैं वहाँ पर पहुँचते हॉस्पिटल में 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं वहाँ पे। इसलिए जो हमारा एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस दिया गया है नर्सिंग को कि हम उनको फैसिलिट कर सकें, हम उनको केयर दे सकें, हम उसको हॉस्पिटल पहुँचने तक उनसे केयर दे के हम फर्स्ट एड दे के हम हॉस्पिटल में पहुँचा सकें, जैसे वो ज़्यादा उसका केयर हो, वहाँ पर ट्रीटमेंट हो। एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस इसलिए दिया गया है। और रही बात नर्सिंग स्कोप, आजकल नर्सिंग स्कोप PhD भी हो गई सनाला भाई, जैसे कि हम कैसे पहले लोग समझते थे कि नर्सिंग एक बस फीमेल तक महदूद है, नहीं, फीमेल तक नहीं है, लेकिन एज उसके साथ अब मेल का भी है, वसी फील्ड हो गया है। इसमें मास्टर हो रहा है, इसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस आ गया है, इसमें PhD हो रहा है, इसमें बहुत सारे स्कोप है, बहुत बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे हमारे स्टूडेंट को ये पता नहीं, वो बस यही समझते हैं कि मतलब आप बस हॉस्पिटल जाओ, इंजेक्शन लगाओ, ये करो, नहीं, हमारा डायग्नोसिस है, हम डायग्नोस करते हैं, हम इंटरवेंशन करते हैं, हम बड़ी बड़ी बात है कि रिसर्च, जैसे कि हमारे पास ये पीपल्स नर्सिंग स्कूल में टीचर्स हैं, जैसे मैडम परवीन है माशाल्लाह, वो बहुत रिसर्च में काम कर रही है। हमें आगे आना चाहिए, हमारे नर्सेज को रिसर्च में काम करना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। जो आप असल में बात है रिसर्च में हमारा कदम आ गया तो हम कैसे समझो हम माशाल्लाह कामयाब हो गए। मेरा यही भी रिक्वेस्ट है और बड़ी बात यह है कि मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि देखो, अगर एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस मिल गई है तो उसके हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस मिल गई है लेकिन हमें हर चीज़ मिल गई, नहीं, उसके लिए हमें क्वालिटी होनी चाहिए, हमें मतलब कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर हमें एजुकेशन अच्छी है तो हम एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस सही करेंगे, वरना जिसने हमें एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस का लाइसेंस दिया है, हमें टाइम दिया है, मतलब एक लाभ दिया है जिस कानून ने, तो वो कल वापस ना ले, वो कल फंसे नहीं कि हमने इनको दिया तो है लेकिन ये काम ही नहीं सही नहीं करते। जैसे कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा हमारे कॉलेजेस हो गए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ भी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, अगर स्टडी अच्छी है तो हमारा हर चीज़ है। और अपने नर्सिंग को मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, अगर हम एक दूसरे का एक दूसरे का इज्जत करेंगे, ख्याल रखेंगे, साथ देंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली ये थे हमारे पास मिस्टर इजहार हुसैन बलूचिस्तान से, जो आज यहाँ पर हमारे पास पीपल नर्सिंग स्कूल लम्स जामशोरों में है और जामशोरों में ज़ेर तामीर है। ये जो है अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं हमारे पास, BSN नर्सिंग जनरल के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अपना इजहार ख्याल आप स्टूडेंट के सामने पेश किया और आपको इसने बताया कि नर्सिंग का जो स्कोप है वो पाकिस्तान में क्या है, और स्पेशली इसने एक बहुत ही उम्दा और अच्छा टॉपिक आपके सामने पेश किया जिसमें इसने कहा कि एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर, इसने ADP यानी एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर का रोल भी बता दिया आप स्टूडेंट्स को कि आप अगर एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर बनने के बाद उस चीज को यानी क्वालिटी की आपने बात की, यस क्वालिटी, क्वालिटी कह रहे हैं कि क्वालिटी आपने जरूर दिखानी है ADP के एडवांस। तो ये थे हमारे इजहार, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।